दोस्तों नमस्कार। यदि आपको सब्जेक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी के हिंदी एंड इंग्लिश में नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं इस वीडियो के अंदर जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको हमारे साथ पूरा कर लें तो आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ जो सर्च लिखा रहता है उसमें हमें क्या सर्च करना है, एबी क्लास, एबी लिखेंगे फिर CLASS ऐसा लिख देंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं एबी क्लास लिखा आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ग्रीन और ब्लैक कलर में लिखा आएगा एबी क्लास एप्लीकेशन का टेस्ट सीरीज सॉफ्टवेयर, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल के लिए पूछेगा, फिर इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करें तो वो इंस्टॉल होने लगेगी। इंस्टॉल होने के बाद जो ओपन लिखा रहता है इस पर हमें क्लिक कर देना तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, एप्लीकेशन में नोट्स किस तरह के हैं वह देखने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। जब आप नोट्स को परचेज करेंगे या अनलॉक करेंगे तभी चार्ज लगेगा, और जो चार्ज लगता है या जो भी इसकी कीमत है वह मैं आगे बताऊंगा तो वह आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें भाषा सिलेक्ट करना है तो इंग्लिश पे ऐसा टिक कर देंगे। इंग्लिश पे टिक करने के बाद नीचे लिखा होगा स्विफ्ट टू बिगन, ये जो स्क्रीन पकड़ के हमें कहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरह खींच देना है। खींचने के बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर जर्नी पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग इन करने के लिए पूछेगा। लॉग इन करने के लिए आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, जो यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है इस गूगल पर आपको क्लिक कर देना। जैसे जैसे गूगल पर टच करके क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो ईमेल आईडी होगी वह निकल कर सामने आ जाएगी। यदि एक होगी तो एक आएगी और दो डाले होंगे तो दो आ जाएंगे। हमें जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड याद हो उस ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अगर कंटिन्यू के लिए पूछेगा तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस जो हमारी ईमेल आईडी से हमें लॉग इन करना उस पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर लिखा होगा पॉपुलर एग्जाम, इधर लिखा होगा ऑल एग्जाम कैटेगरी। तो ऑल एग्जाम कैटेगरी जहां लिखा है इस पर हमें ऐसा टच कर देना। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे आप टच करेंगे तो इधर आएंगे आपको, इधर कहीं ना कहीं लिखा आपको बी टेक ऑनलाइन क्लासेस लिखा लिख जाएगा। क्या लिखा, बी टेक देख रहे होंगे, बी टेक ऑनलाइन क्लासेस ऐसा लिखा मिल जाएगा, इस पर हमें ऐसा टिक कर देना। जैसे ही टिक करेंगे तो थर्ड टू एट सेमेस्टर लिखा आएगा, उस पर हमें क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद ऑल सब्जेक्ट लिखा आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ऑल सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आएगा स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल सब्जेक्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें नीचे की ओर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ होम, टेस्ट, ई लाइब्रेरी और वीडियो। ई लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलेगा। तो हमें अभी ई लाइब्रेरी की बात कर रहा है, मतलब पीडीएफ नोट्स की बात कर रहा है, तो ई लाइब्रेरी पे ऐसा हमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे हमें किसकी बात कर रहा है, बहुत सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो हमें मटेरियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो मटेरियल टेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पोस्टर लगा हुआ है और मटेरियल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ऐसे पोस्टर चलते रहते हैं तो इनको भी आप ऐसे करके देख सकते हैं। देखो मटेरियल टेक्नोलॉजी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो लिखा मटेरियल टेक्नोलॉजी का पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के ऐसे घुमा के सारे सब्जेक्टों का। यहाँ पर उस जिस सब्जेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहते तो नीचे की ओर आए तो मटेरियल टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस पर हमें ऐसा क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी अभी तक मैंने अपलोड कर दिए नोट्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो नहीं है वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें आप कि बिना बोले या बिना मैसेज किए हुए। यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी जो मटेरियल, बहुत सारे जो लॉक बने हुए हैं इनको अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन फ्री वाली मैं दिखा देता हूँ कैसे पढ़ना है, ये भी बता देता हूँ। उल्टा एरो बना है, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स किस तरह के, किस तरह का मटेरियल मैंने प्रोवाइड कराया है। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के नोट्स आएंगे, इनको ध्यान दें बिल्कुल, ऐसा मैं सेट कर देता हूँ। इसको नीचे ऐसा नीचे को आना स्क्रीन से। अब हमें इसको पढ़ना कैसे, तो मैक्सिमाइज करके पढ़ा जाता है मोबाइल की स्क्रीन से। जैसे एक साइड का हमें पढ़ना है तो ऐसा सेट कर लें, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। इंग्लिश लिखी रहेगी, उसके जस्ट नीचे हिंदी रहती है, और भी कितना भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे इस तरह की लाइन पढ़ रहा है, मैंने ये पढ़ लिया, मान लीजिए टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर नीचे आके इसको कंप्लीट कर लिया, और काफी दूर से कर सकते, इतने अच्छा मैंने फॉन्ट साइज लिया हुआ है। इसके बाद जब यहाँ खत्म होता है उसी का पेज का स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर खत्म हुआ तो फिर से हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होंगे।
यहां से स्टार्ट होंगे तो फिर इसको इस तरह से मोबाइल से फिर स्क्रीन ऐसे कर लें, फिर इस तरह पढ़ते हुए जो भी टॉपिक आपको पूरा चाहे तो पूरा सेट कर सकते हैं स्क्रीन पे, बड़ी दूर से आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा, इस तरह करके फिर यहाँ पर खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आपको इस तरह के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अब इनको क्या करना, बैक जाना है, अब इनको अनलॉक करना है, तो इसकी कीमत है ओनली, जैसे देख रहा है क्लिक लॉक बना हुआ, किसी भी एक लॉक पर क्लिक करेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो रहा है इसकी कीमत है 99 रुपए, मतलब 99 रुपए में पूरे एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको अनलॉक हो जाएंगे। जैसे ही पे बाय रोजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही मोबाइल नंबर में आएगा, मोबाइल नंबर पर जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद आगे प्रोसेस होगी, फोन पे गूगल पे या जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है सभी से पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद जब आप बैक आएंगे तो ये जो लॉक बने हुए सब के सब अनलॉक हो जाएंगे एक बार पेमेंट करने पर। और फिर से हमें बैक जाना तो नीचे बैक का जो मोबाइल का ऑप्शन है उसमें बैक जाए, तो जो भी सब्जेक्ट रहते हैं आपके वहाँ और भी सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं। फिर से कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर से हमें स्टार्टिंग से जाना है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ, इसके बीच इसके आगे उल्टा एरो बना, इस पर हमें क्लिक कर दें और नीचे एड मोर एग्जाम पर क्लिक करें तो फिर से हमें यहाँ पहुंच जाएंगे ऑल एग्जाम कैटेगरी पर जाएं, बीटेक ऑनलाइन क्लासेस पे जाएं, थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट और प्रिपेयरिंग ऑल सब्जेक्ट, इस पर जाएंगे फिर पहुंच जाएंगे ई लाइब्रेरी पर क्लिक कर दें तो आप फिर से वहीं पर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।